ये बहुत कम है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये वर्ड कई सालों बाद मिले होंगे, हाँ या ना? बराबर। कुछ लोग जो साइंस से ताल्लुक नहीं रखते उनके लिए तो ये पहली बार भी हो सकते हैं। बेटा स्कूल डेज में था। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं ये 10 वर्ड आपको याद रहेंगे सीक्वेंस से, रिवर्स से, रैंडमली, तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि हो जाएगा? किस पे विश्वास है? आप पे, मुझ पे? तो टाली बजाओ भी। अभी जैसे मैंने दीदी तंग तो नहीं कर रहा नहीं, एक बार दीदी गुस्सा हो गए बोले मेरे को टारगेट कर रहे थे। मैं बोला ये क्या 145 का टारगेट है नंबर? ओके, जैसे आपको एक वर्ड जो अननोन था, व्हाट्स द वर्ड? जैसे वो नॉन बन गए आपकी तो दोस्ती हो गई। आप अगली बार मेरे को व्हाट्सएप करोगे भैया क्या बनाया था आपको? उकड़ू। मैं बोल गया उनको याद उकड़ू बनाया है, आ रहे हो क्या? हो सकता है, हो सकता है हमारी आइडेंटिटी उकड़ू बन जाए। आप मुझे और मैं आपको इसी वर्ड से याद रखू उकड़ू दी। अब वो बोले कि मेरा नाम ये है, वो बाद में याद रहेगा, है ना? सो कितना टाइम लेना चाहोगे आप? आपको क्या लगता है कितने मिनट में होगा? 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, व्हाट, हाउ मच? कितना? 2 मिनट। बेटा आप स्टूडेंट हो, मैं मम्मी पापा की बात कर रहा हूं। हाँ, कितना? चलो ऑप्शन देता हूं, हम यहां से बिलीव 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स में बोलना है हमें, सीक्वेंस है। हो जाए? कुछ है जो 5 से 10 वाले, लेस देन 5 वाले? अब मैं आपको बताता हूं 5 मिनट नहीं लगने वाले, पहली बात। दूसरी बात है वो जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है वो चाह के भी भूल नहीं पाएंगे इस सीक्वेंस, प्रॉमिस है क्या? ओके, शुरू करते हैं। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये भी एक बेसिक है, उसमें से काफी सारे टेक्निक हम सिखाते हैं इसमें, बट मजा आएगा आपको। अननोन वर्ड्स है से कितने लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं इन वर्ड के साथ? बहुत सालों बाद मिले हैं ऐसे वाले, हाथ खड़े करो। तो काफी सारे लोग। अब पहला वर्ड क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट मुश्किल है। कार्बोनेट, 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 कार्बोनेट। मैंने ऐसे याद किया था, 2.5 दिन लगे थे और एग्जाम में भूल गया था। और मेरी मम्मी ने ये डायलॉग मारा था, मैंने विचार तो मैं सांगितलं होतं वर्गात जाऊन विसरला। अभी वर्ड ही ऐसा है यार, इसमें मेरी क्या गलती है? अब देखते हैं, ये अननोन वर्ड है, व्हाट द वर्ड? अननोन है ना, इसमें कुछ नोन ढूंढ सकता हूं क्या? जस्ट इमेजिन करो, रतीश सर की तरह, रतीश सर कार, हाँ रतीश सर वो जो आए भाषण देने आए थे, मान लो वो मेरे दोस्त है और उनकी व्हाइट कलर की कार है, क्या है? व्हाइट कलर। और यहां से मैं बाहर निकला, बैठिए सर प्लीज, तो रतीश सर है ना कार का बोनेट खोल के बैठे थे क्या? और वो कार गर्म हो गई थी तो वहां से पानी की जगह ना सोडा आ रहा था, क्या आ रहा था? सोडा। क्या आ रहा था? सोडा। तो मैंने सोचा यार उबलता हुआ पानी चाहिए था मैगी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मैगी। ये क्या, इसमें मैगी तो दिख रही है मेरे को, है ना, मैगी बनाने के लिए। बस चलो पानी नहीं है तो सोडे में उबाल देते हैं, बन गई मैगी, क्या हो गई? ओके, अभी क्या अर्गन तो जरा ज्यादा ही डिफिकल्ट है, बट अगर आप में से कोई बच्चा है तो उसको एयरगन तो पता है, दिशाओं दिशाओं खेलते एयरगन। तो यार वो मैगी को मेरे पास थाली तो थी नहीं, तो मैंने कहां भर दिया? कहां भर दिया? एयरगन में भर दिया। और घर आ गया तो मेरे बच्चों को लगा ये क्या लाए हैं पापा, उन्होंने ऐसे किया दिशाओं, क्या किया? और वो जाके गिर गए कहां पे? किसके फ्लोर पे? पड़ोसी के फ्लोर पे, मान लो पड़ोसी के फ्लोर पे गिर गए। अब वो पड़ोसी हमारे जो है ना दोषी था, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा, बोले भाषण सिंबायोसिस में यहां रिन से धोना पड़ेगा, किससे? तो मैं गया पड़ोसी से, कोई जीता है शांति से गया, मैं धो रहा हूं। तभी मेरे को मान लो ये वर्ड भी डिफिकल्ट है, बट यहां बॉक्स दिख रहा है क्या? तो मुझे बॉक्स दिखा दिया, मैं थोड़ा क्यूरियस बन रहा हूं, तो मैंने सोचा इस बॉक्स में क्या है, खोलने की कोशिश की तो वो थोड़ा टाइट था, क्या था? क्या था? बॉक्स टायर्ड था। ठीक है, आगे देखते
जब मैंने खोला तो वहां से ऑक्सीजन तो आपको याद रहेगा, बट अगर मान लो कोई बच्चा पांचवी छठी का है जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन सुना है तो डिफिकल्ट है, बट वो बच्चे ने तो ऑक्स है और ये क्या है जैन नाम की कार भी हो सकती, तो हो सकता है वो बॉक्स में से एक ऑक्स आ जाए जो जैन कार चला रहा है, क्या कर रहा है जैन कार चला रहा है। अभी ये पोलोनियम जरा ज्यादा ही हो गया बट यहां पोल दिख रहा है क्या आपको और आगे नियम भी दिख रहा है, तो मैं तो ऐसा कहूंगा कि यार ये पोल पे ना वो ऑक्स ने जैन कार चढ़ा दी पोल पे जिसपे क्या लिखे थे नियम, क्या लिखे थे नियम लिखे थे। चलो देखते हैं, और जैसे वो टॉप पे गया अभी ये फिर से डिफिकल्ट आदमी आ गया यार कोबाल्ट 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 कितनी बार करूंगा, बट अगर मुझे ऑक्स मिला है तो हो सकता है मैं इसको काऊ बोलू, एक काऊ थी जिसने इसको बोला यार यू आर द फर्स्ट वन जो ऊपर आया तो यू आर अ विनर ये बेल्ट ले लो, काऊ ने उसको क्या दिया क्या दिया, अब वो बंदा है ये क्या यार कौन ऐसे वर्ड लाता है सिलेबस में कुछ तो रहम करो बच्चों पे, गमी नियम बोले 150 बार पढ़ लो भूल जाओगे, और अगर कोई बोलता है 150 बार बोलने के बाद याद रहता तो इधर आके पूरी प्रेयर बता दे मेरे को, भारत माता देश है तीसरी लाइन के बाद कुछ याद नहीं रहता जबकि आपने कम से कम 4000 बार बोला होगा उसको रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो इमेजिन करो ये ऑक्स है ना गलियों में घूम रहा है, गली में घूम रहा है और क्या बोल रहा है नियम फॉलो करो बेल्ट मिलता है नियम फॉलो करो गलियों में, ओके तो ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि पहला वर्ड क्या पेरेंट्स प्लीज आवाज छीन ओके, उसके बाद का वर्ड क्या था उसके बाद का वर्ड क्या था उसके बाद का क्या था क्या था ओके उसके बाद का क्या था क्या था उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद कोबाल्ट वाले ये क्या था पोलोनियम पहले क्या था दोनों में से पोलोनियम पहले था ओके पोलोनियम उसके बाद गैलियम। चलो कोशिश करते उल्टा आता है कि आखिरी में क्या था गैलियम उसके बाद क्या था पोलोनियम उसके बाद बॉक्साइट उसके बाद फ्लोराइड उसके बाद उससे पहले एक बार जोरदार डालिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों अगर आपने ब्रेन वॉश को संभाल लिया ना एक घंटे बाद एक बार रिपीट किया और कल एक बार रिपीट किया ये तो इतनी प्यारी स्टोरी है आपको हफ्ते भर बाद शायद ना जरूरत पड़े आप नहीं भूल पाओगे क्या तो अभी टेस्ट लेते मैग्नीशियम से पहले क्या था और मैग्नीशियम के बाद क्या था इसका सिक्वेंशियल रैंडम सब आपको आ गया और जिनको नहीं आ रहा है उनको एक दिन बहुत तकलीफ देगा तो दो बार रिवाइज करो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि आप खुद और आपका बच्चा जीनियस है, अगर उसका स्कोर किसी और से कम आ रहा है ना तो किसी और के पास वो टेक्निक है जो हम सिखाते हैं आपके बच्चे के पास नहीं है। सिंपल आगे बढ़ते ओके मैं आपको 5 मिनट के लिए हमारे वर्कशॉप के बारे में बता सकता हूं क्या हमने अगर मान लो जस्ट इमेजिन करो मैं आपको बोलूं कि 2 दिन तक मैं आपके बच्चों को टेक्निक सिखाऊंगा पैसे लेके व्हाट्स द वर्ड फ्री वाले ना हर चीज फ्री में थोड़ी होगी मैं संत तो कर रहा हूं दिख रहा हूं किसी एंगल दिख रहा है तो मेरे को भेष बदलना पड़ेगा वैसे मम्मी ने देखा था ठीक दिख रहा है बेटा हमने फिर इंटरेस्ट इन लिसनिंग हम क्या करते 10 मिनट लूंगा उसके बाद मोबाइल शुरू करते हैं ठीक है ये तो नहीं पढ़ना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए 2017 में इंडिया में 675,000 बच्चों ने 90 अबव मार्क लिए कितने ऑल इंडिया की बात चलते हैं महाराष्ट्र में 66,000 बच्चों ने स्टेट बोर्ड में 90 अबव% लिए उसमें से 170 तो ऐसे थे जिन्होंने 100 अबव ले लिए थे याद है स्पोर्ट्स कोटा है ना। अब अगर सिर्फ उन 7.5 लाख 90 अबव वाले बच्चों में कंपटीशन लगाया जाए जस्ट इमेज और उनको यह बताया जाए कि आपके पास गवर्नमेंट की सिर्फ 30,000 सीट है एमबीबीएस की
How many of them would fail to get a free seat? पौने 7 लाख में से 6.5 लाख को तो नहीं मिलने वाली फ्री सीट, आया ना? चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, एक मार्क पे 28,000 की कंपटीशन चल रही है, एक मार्क गया तो 28,000 से रैंक नीचे आ गया। एंड डोंट ट्रस्ट मी, गूगल करो, 16.5 लाख बच्चे इस समय में नीट देने वाले हैं और 9.5 लाख बच्चे जेई आपका मेंस देने वाले। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि आईआईटी की, अभी ये थोड़ा बदल गया है, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का रूल आया है तो 13,800 सीट। अब सोचो सिर्फ 7 लाख बच्चों में कंपटीशन लगा दी, क्या होने वाला? सी आई टेल यू, दैट इज व्हाई सजेशन है मेरा, रिकमेंडेशन है, प्लीज लुक इनटू योर चाइल्ड्स सिपोर फॉर्मूला, देख लो उसके स्ट्रेंथ, देख लो उसका इंटरेस्ट, देख लो उसकी अपॉर्चुनिटी कहां कहां है वो देख लो, रिसोर्सेस क्या है वो देख लो, कंप्लीट उसकी पर्सनैलिटी का इवेल्युएशन करो और अभी से भेड़चाल में अगर आपने दम है तो उतरो विथ ऑल द टेक्निक्स, क्योंकि वो बच्चों के पास ब्रिलियंस है, आपके पास भी है, आपके पास टेक्निक नहीं है, या हो सकता है आपके पास आपका लर्निंग स्टाइल ही नहीं पता हो आपको, तो गलत तरीके से काम करोगे तो जस्ट इमेजिन करो, छोटे बर्नर पे काम करोगे तो टाइम तो ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? बच्चे ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगा मेरे से, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ वाले, थैंक यू। पॉइंट क्या है, बहुत टफ सिचुएशन चल रही है इंडिया में, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पे बात करना मैंने बंद कर दिया, बट ये फिगर है जो मैं बोलता हूं आप सबको कि ध्यान में रखी जाए। तो ही समवन हु हैज द टेक्निक, बेस्ट तरीका अपने भार को आगे ले जाने का, यू कैन इमेजिन हाउ मच हार्ड वर्क डिजर्व है। और ये अगर हमारे जनरेशन के मेरे वाले, तो आई टेल यू, ये वो लोग हैं जो थक हार के घर पे आते हैं, ऑफिस या बिजनेस का काम घर पे लाते हैं, सामने न्यूज लगाते हैं और वही न्यूज रिपीट रिपीट 3-4 बार देखते हैं और विनती करते हैं वाइफ को प्यार से कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, पापा आज बिजी है। बच्चा सोचता है किसी दिन पापा फ्री मिलेंगे, बट पापा तो छोटे बर्नर पे काम कर रहे हैं। अब हो गया हो गया, एटलीस्ट आपके बच्चों को बड़े बर्नर पे डालिए, राइट एरिया में भेजिए उनको, ये जो है इधर आने चाहिए ना, वर्कर कैटेगरी में। आई टेल यू, आज का वर्कर कौन पता है इंडिया में, आज का वर्कर कौन है? मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास इज द रियल वर्कर इन पुणे, पुणे की बात करना, इज द रियल वर्कर इन टूडे। कैसे? ये वो अच्छे लोग हैं जो कम से कम 10 घंटा डेली काम करते हैं, नौ तो कम से कम, प्लस 2 से 3 घंटा ट्रैवल भी करते हैं और बार 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 रोज 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 करते हैं। आई सजेस्ट सही चीज पे इन्वेस्ट कीजिए और एटलीस्ट हो सकता है आपके भी, आपको भी कुछ इजी चीजें मिल जाए हमारे गाइडेंस से, आपके बच्चों को भी मिल जाए। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ऐसा है क्या, क्या नाम है? ये ऐसा नहीं है, ये है यस। कैसे? हाथ कहां है? हाथ कहां है? रेडी, 1 2 3 यस आई कैन। ओके, इसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को 2 दिन में? कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाना है। आई नॉट